कानपुर में बूढ़ों को जवान बनाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले फरार दंपति राजीव और रश्मि का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। मामले में एफआईआर दर्ज होने के 15 दिन बाद भी पुलिस फरार दंपति का पता नहीं लगा पाई है। वहीं पीड़ित मामले में कार्रवाई के लिए लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस ने ठगी का केंद्र बने रिवाइवल वर्ल्ड सेंटर और जिम को सील कर दिया है। पुलिस दंपति के खातों की जांच करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तारी करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है और जाना कि आखिर कैसे ठगी का जाल बिछाते थे फरार दंपत्ति। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। इसमें मामला ये है कि राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इसराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था कुछ 10 सेशंस के लिए 6,000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जाँच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। ठग अक्सर सपनों को बेचते हैं। कानपुर में भी एक ठग दंपत्ति ने ऐसा सपना बेचा जो सच नहीं हो सकता। लोगों को बताया गया कि उनकी उम्र 25 साल तक कम हो सकती है। लोग उनके झांसे में आ गए, लोगों को बेवकूफ़ बना करके। ये ठग दंपत्ति फरार हो चुका है। तकरीबन 35 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगी के से पीड़ित लोग परेशान हैं, लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। दरअसल इस दंपत्ति ने इसराइल से एक मशीन लाने का दावा किया था और कहा था कि इस मशीन की मदद से लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और उनकी उम्र 25 साल तक कम हो सकती है। उनके ऑर्गन्स इस तरीके से काम करेंगे जैसे वो जवान हों। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनसे किस बात का वादा किया गया था और ये वादा कैसे पूरा नहीं हुआ, कब उनको ठगी का एहसास हुआ अपने साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कब आप जुड़े थे इन लोगों के संपर्क में, कब आए, कैसे आए और क्या बताया था इन्होंने आपको? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और इन्होंने जब ये अपना सिस्टम शुरू किया तो किसी के माध्यम से मुझे फ़ोन आया कि कानपुर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके माध्यम से आदमी अपने लाइफ को 20 से 25 साल तक पीछे ले जा सकता है, नहीं रिवर्स एजिंग जैसा फीचर्स आ सकता है। तो मैं भी उत्सुक हुआ जानने के लिए और मैं गया। वहाँ 2 से 3 घंटे की मीटिंग चली जिसमें मैंने देखा तो वहाँ सारे प्रमाण दिए गए, सारे वीडियो, सारे पेपर कटिंग, बड़े बड़े डॉक्टरों का इंटरव्यू। तो उसको देख के लगा कि हाँ, चीज़ें काफ़ी हद तक सही। मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई होगी। फिर मैंने उसको गूगल पर सर्च किया तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही निकली, तो मैंने विश्वास किया। और वहाँ पर तुरंत मैंने, इन्होंने बोला कि दो तरह के पैकेज हमारे यहाँ, एक डेमो पैकेज 6,000 रुपये का और एक बड़ा पैकेज है 90,000 रुपये का। डेमो पैकेज में आपको मतलब थोड़ी सर्विसेज मिलेंगी, उससे आप अगर संतुष्ट हो तो बड़ा पैकेज ले सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो 6,000 रुपये था, मैंने कोई बड़ी बात नहीं, चलो लगा देते हैं 6,000 रुपये। लगा दिए और उसने कर लिया अपना सेशन बुक। उसके बाद फिर ऐसी हाइप क्रिएट करी गई कि अगर आप अभी नहीं लोगे तो ये आपके यहाँ से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और मुझे लगा रहा ऐसा ना अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। मैंने अपनी मम्मी के लिए भी थेरेपी बुक करा दी और साथ में कुछ अपने रिश्तेदारों को भी बताया कि अच्छी चीज़ है, आप भी चाहो तो ले लो, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। हमारे रिश्तेदारों ने पैसा लगा दिया, तो लगभग 5 से 6 लाख रुपये, 7 लाख के आसपास यहाँ पर पैसा लग गया। उसके बाद जब ये थेरेपी ये मशीन आई, तो मशीन आई लगभग हम लोग से पैसा ठगने के 6 महीने के आसपास बाद। तो 6 महीने में तो हम लोग लूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, पैसा लग गया था। जब मशीन आई तब मालूम पड़ा जो मशीन हम लोग को दिखाई गई, बताई गई, वो मशीन थी नहीं, वो कानपुर में ही बनाई गई थी मशीन और उसे पे डब्बा बना करके लोगों को उसमें बैठा दिया गया। तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी सामने आए। जो साइड इफेक्ट आए उनको देख के तो आत्मा और हमारी कांप गई। हमने कहा बताओ, आज एक के साथ ये हादसा हुआ, कल दूसरे के साथ हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने थेरेपी ली नहीं, हम लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे कि भैया हमें थेरेपी नहीं चाहिए, पैसे वापस करो। तो पैसे देने से इनकार कर दिया, बोले नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसा अभिषेक ने बताया, तो कुछ भी संभव है। अब पहले तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं होता था, लीवर ट्रांसप्लांट, पर अब हो रहा है ना। जो चीज़ है कि कानपुर शहर के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने इससे पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। तो चूंकि शहर में लगी हुई है एक मशीन इस तरह की, तो बट ऑबियस है लोगों का विश्वास करना लाजमी था उस पर। और जो तरह से इन्होंने हम लोगों को दिखाया और जो प्रेजेंटेशन दी उसके बिल्कुल उलट थी जो मशीन हम लोगों को दिखाई गई, जो हमें यूज़ करने के लिए बताई गई। और जिस तरह से इन्होंने बताया था कि इस पे हम लोगों को क्या क्या रिजल्ट है, किसी भी डिसीज़ पे उन्होंने कहा ये इफेक्ट करती है, चूँकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन थी और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर। कि अगर हम सेशन में 45 मिनट्स ले रहे हैं तो टेक्निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जैसा कि बताया था 15 मिनट ये प्रेशर, 15 मिनट ये प्रेशर, 15 मिनट इतने प्रेशर पे, 3A 2A कुछ तो ऐसा कहते थे, तो उस पे जाएंगे तो मतलब आपकी सेल्स और ऑर्गन्स पे इतना वर्क करती है, इतना डीपली मतलब काम करती है कि आपको 60 साल का व्यक्ति भी 25 ईयर्स जैसा फील करता है
एनर्जी में फील करता है, ना कि उसकी शक्ल सूरत में, मतलब वो 25 साल का दिख जाएगा ऐसा नहीं करता था। लोगों का फंसने का, जो आप फंसना ही बोलेंगे इस वर्ड को, क्योंकि अगर कोई चीज़ आज 6,000 की है और आपको ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया कि ये 2 साल में आपको पता लगा कि बुकिंग का नंबर ही नहीं आएगा 10 साल तक, तो हर बंदा सोचेगा अभी 6,000 रुपये लगाओ, 90,000 की थेरेपी तो मेरे को मिलेगी 10 साल बाद, सही 10 साल तक तो अभी मैं फिट हूँ। और उन्होंने बोला कि अगर आप 10 थेरेपी लोगों को बता दोगे तो आपकी थेरेपी लोग जल्दी से, मतलब वो उसका स्लैब था जो, वो मीटर जल्दी पूरा हो जाएगा, तो आपको 6,000 वाली चीज़ 90,000 की जल्दी मिल जाएगी। इतनी सी बात थी। क्या देखा आपने ऐसा जब लगा कि आपके साथ ठगी हुई है? कि मशीन आने के पहले ही करोड़ों रुपए ये ले चुके थे कि मशीन आएगी, प्रोजेक्ट है, तो मैंने भी प्रोजेक्ट के नाम पे ही लोगों को बताया कि जो थेरेपी लेना चाहे, जो अपनी बीमारी में इसको यूज़ करना चाहे, प्लस जो एज ए बिजनेस ज्वाइन करना चाहे, वो एज ए बिजनेस प्लान भी था ये ना कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो मैंने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, किसी मिस्टर पर्टिकुलर इंसान पे, मिस्टर राजीव दुबे उनकी पत्नी पे इन्वेस्ट नहीं किया है मैंने। क्या स्लॉट्स बुक हो जा रहे थे, बताया जाता है भविष्य में आज 6,000 का स्लॉट है और वही 90,000 का बिकेगा? 6,000 का बिकेगा, 2-3 साल में वो 90,000 की बिकेगी। वर्ल्ड में सबसे सस्ता थेरेपी हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ कानपुर में जो सेंटर है उसका उस समय रेट शायद 3,500 था जब हम लोग इन्होंने खोला था, और हमारा रेट मात्र 1,500 रुपये था। तो आप देखो ना, ह्यूज डिफरेंस, 2,500 रुपये का डिफरेंस है, आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो कौन नहीं चाहेगा मैं 6,000 में अभी बुक कर लूँ। और प्रमोट करने में फिर अभी एक वेंडअप होने के 2 महीने पहले ही इन्होंने एक ऑफर रखा कि जो 90,000 की थेरेपी है वो 1,20,000 की होने जा रही है, तो जो लोग भी जल्दी से जल्दी उसको बुक कराना चाहें अपने 90,000 से, तो अब 90,000 से बुक करवाइए। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी बात मानकर भी अपने 90,000 का चेक काट कर कंपनी को दिया। उनके पास सिस्टम ऐसे थे कि शायद हो सकता है उन्हीं के लोग बैठते हों, उन्होंने कहा भैया मेरा बुक कर दो, मेरा बुक कर दो, क्या देखेंगे, ये देख के हमने भी कर दिया, मेरा भी बुक कर दो। राजीव और रश्मि यहाँ पर एक जिम का संचालन करते थे, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की जिम की उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी थी, और उसके बाद उन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक सेंटर शुरू किया जिसमें लोगों को वादा किया कि वे लोगों की उम्र को कम कर सकते हैं, लोग ऐसा महसूस करेंगे कि वो 25 साल उनकी उम्र कम हो गई हो, इस तरीके का सपना उन्होंने भेजा। और राजीव और रश्मि कानपुर के बंटी और बबली बन करके फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वीरजनी जम्पी सिंह के साथ शांति तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।